जो शख्स इस्तगफार को लाजिम पकड़ लेता है क्या होता है, जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़िक्रिन मखरजा, अल्लाह ताला हर तंगी से उसको मखरज देंगे, निकालेंगे, हर मुसीबत से निकालेंगे, वमिन कुल्लि हामिन फरजा वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, हर मुश्किल से निकालेंगे, हर गम से निजात देंगे और उसको वहां वहां से रिज्क देंगे, कैश देंगे जहां से उसने कभी इमेजिन नहीं किया होता। फरमाया तूबा लिमन वजद फी सहीफती इस्तिगफारन कसीरा, ग्लैड टाइडिंग्स टू द वन हु फाउंड इस्तिगफार इन हिज बुक विद अबंडेंस, खुशखबरी हो उस बंदे को कि जो क़यामत के दिन आया और उसने अपने आमाल नामे में कसर से इस्तिगफार को देखा। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल सफर कर रहे थे, बड़ा फेमस वाकया है, सफर कर रहे थे, रात लेट हो गई, मस्जिद में इजाजत है कि मैं रात यहाँ रह लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ रात नहीं रह सकते। तो एक नान बनाने वाला गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा आप क्यों बुजुर्ग को तंग करें, बुजुर्ग आप मेरे पास आए बाबा जी मेरे घर रह लें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जब घर लेके गया तो वो रात को नान वो तो आटा गूंदता था, आटा गूंद रहा और कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह बैठे हुए हैं, कहते हैं आपको इस जिक्र ने कभी जिंदगी में फायदा भी पहुंचाया है? तो उन्होंने कहा आपको मैं क्या बताऊं, तो आपने पूछ लिया है, पहले मैं गरीब था फकीर था, जब से मैं जिक्र ये करना शुरू हुआ हूँ माल इतना है कि संभाला नहीं जाता मुझसे, और हर दुआ मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल की है, बस एक दुआ जो रह गई है। कहते हैं वो क्या, कहते हैं सुना है कि इमाम अहमद बिन हंबल बड़े इमाम है, उनसे मुलाकात का शौक है, वो आज तक कबूल नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि वक़द जुरेड तू इलैक जर्रा, ऐसे लगता है कि मुझे आपके पास घसीट के लाया गया है आपसे मुलाकात करवाने के लिए, मैं हूँ इमाम अहमद बिन हंबल। ये है तौबा इस्तगफार के फायदे, ये तौबा इस्तगफार कसरत से इस्तगफार पढ़ा के जिंदगी में। अल्लाह के नबी अपनी एक महफिल में एक सेटिंग में 70 से 100 मरतबा इस्तगफार पढ़ा करते थे एक सेटिंग में, और कसरत से दुरूद पढ़े, कसरत से दुरूद पढ़ा करें। एक साहबी हाथ उठाए और दुआ मांगने शुरू हो गए, तो अल्लाह की ने कहा कि तुमने बहुत जल्दी की है, पहले अल्लाह की हम बयान करो फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो फिर दुआ मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रसूलल्लाह, मैं आइंदा अल्लाह की हम बयान करूंगा, आप पे दुरूद पढ़ूंगा और फिर दुआ मांगूंगा। तो उन्होंने कहा फाइन जिद तो फहु खैरुल लक, अगर मुझ पर दुरूद ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए मजीद बेहतर है, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने कहा ठीक है रसूलल्लाह के आई विल रिसाइट 1/3 दुरूद एंड 2/3 दुआज। उन्होंने कहा फाइन जिद तो फहु खैरुल लक, अगर तुम दुरूद और ज्यादा कर लोगे तुम्हारे लिए बेहतरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है रसूलल्लाह, मैं 2/3 दुरूद पढ़ा करूंगा आप पे और उसका 1/3 दुआ किया करूंगा। अगर तुम और ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए फायदा है। रसूलल्लाह आज के बाद आप पे मैं दुरूद ही पढ़ा करूंगा बस। उन्होंने कहा अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम परेशानियों खत्म कर देगा और तुम्हारी तुम्हें हर मुश्किल से आजाद कर देगा। जय अल्लाह के नबी दुरूद पढ़ना, जो शख्स सुबह और शाम अल्लाह के नबी पे 10 बार दुरूद भेजते हैं अल्लाह सुभान व तआला उसके तमाम फरिश्ते 70 मरतबा दुरूद भेजते हैं, 70 टाइम्स उसके दर्जात बुलंद होते हैं, उसके गुनाह माफ होते हैं, उसकी नेकियां लिखी जाती हैं, यू नो सो मच रिवॉर्ड। और एक और हदीस पता है क्या आता है, सुभान अल्लाह, हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी के सामने हमारा नाम लिया जाए, कौन कौन चाहता है कि अल्लाह के नबी के सामने हमारा नाम लिया जाए, हर बंदा चाहता है। एक हदीस में आता है कि जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है ना मेरे में रूह डाली जाती है और मुझे उसका दुरूद पहुंचाया जाता है। अल्लाह के जो फरिश्ते हैं नूरानी मखलूक वो अल्लाह के नबी तक उस बंदे का दुरूद पहुंचा। जस्ट इमेजिन सुभान अल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा जाए कि या रसूलुल्लाह आपका बंदा अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान उसने आप पे दुरूद पहुंचा पढ़ा है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी तक दुरूद पहुंचाया जाता है। शेख सालिह मगासमी है वो कहते हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ, हार्ट सर्जरी हुई और उनके ना हार्ट ब्लॉकेज थे, बहुत सारी आर्टरीज ब्लॉक थी और स्टंट्स डले हुए थे, तो बहुत इश्यूज था उनके उसमें। तो वो कहते हैं कि इट वाज अ लेंथी ऑपरेशन, कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था, डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, टांगे लगा दिए, मैं उठा तो आई वॉज रिलैक्सड, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर्स दोबारा आने शुरू हो गए और जो
साथ मशीन्स थी उनमें ना पी 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 कुछ होने शुरू हो गया, और एक डॉक्टर आ रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अरब के बहुत बड़े दाई हैं, शेख सालम गासमी अभी भी जिंदा हैं रहमहुल्लाह। तो डॉक्टर्स आए और वो कहते हैं मैं अब तो बहुत परेशान हो गया कि अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनकी शक्ल पे ना परेशानी देखी, मैं मजीद परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपके जो ब्लॉकेज थे ना, वो समथिंग हैपेंड कि बहुत ज़्यादा ना ब्लॉक हो गया, एंड वी हैव टू री ऑपरेट यू अगेन, तो हमें दोबारा खोल के सर्जरी करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि पहले सर्जरी में तो आई वॉज अ बिट रिलैक्स, लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत परेशान हो गया। तो वो लोग जब गए अपने इक्विपमेंट्स लेने के लिए और अपने चीज़ें लेने के लिए, तो कहते हैं आई वॉज रियली वर्ड, कहते हैं कि मेरे साथ एक ना आई थिंक लेबनानी नर्स खड़ी हुई थी, वो मुझे कहती है कि या सालेह सल्ली अला मुहम्मद, सवाले अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ो। और कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना शुरू हो गया इस यकीन के साथ कि अल्लाह के नबी फरमाया कि अगर तुम मुझ पे दुरूद पढ़ोगे तुम्हारे सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल निकल आएगा। तो कहते हैं मैं दुरूद पढ़ना शुरू हो गया, हत्ता के जब डॉक्टर्स आए और दोबारा उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें अटैच की, तो दे वर कन्फ्यूज एंड सरप्राइज। और जब मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है, कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स अभी आ रही थी कि ब्लड दोबारा जो है ना ब्लॉकेजेस आ गई हैं, दे आर ऑल रिमूव्ड, दे आर ऑल गॉन। और कहते हैं कि मुझे उस दिन अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ने की फजीलत समझ में आई कि कितना अफजल है ये जिक्र, अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना, सुभान अल्लाह। तो अपनी जिंदगी को ना कसरत से, जब भी फ्री टाइम है ना, दुरूद कसरत से पढ़ा करें, इस्तिगफार कसरत से पढ़ा करें, दिन में 100 दफ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा करें। अल्लाह ताला तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं जो शख्स दिन में 100 दफ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लेता है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने आज जिक्र किए, जो कि इंसान की ज़िंदगी भी बेहतरीन बनाता है, आखिरत बेहतरीन बनाता है। ये तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन मेरे सामने आ गई है, इंशाल्लाह वी विल एंड ऑन दिस, जस्ट रिपीटिंग द 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था? अल मुदावमतु अलल फराइज, फराइज पे मुदावमत, कंसिस्टेंसी। वल्लाहिल अज़ीम, इंसान की तरावी में निकलने वाले आंसुओं से बेहतर ज़ुहर की नमाज पे जाने के लिए जो एक पसीने का कतरा है ना, वो उससे लाख दर्जे बेहतर है। एक इंसान तहज्जुद में रो रहा है और आंसू पे आंसू बहाता है, और एक इंसान ज़ुहर की नमाज पे जाता है और उसकी जो माथे पसीना आता है ना, वो उससे लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि फराइज अल्लाह ताला के यहाँ बहुत महबूब है। तो अल मुदावमतु अलल फराइज। दूसरी चीज तलावत कुरान, अल मुदावमतु अला तलावत कुरान। तीसरी चीज अपने दिल को साफ कर लेना। चौथी चीज, नहीं ये तो 5वीं था जिक्र, चौथी, ये तो तीसरी थी, नरमी, नरमी।